जिमी, डू यू नो बॉलीवुड हीरो मिथुन चक्रवर्ती? इनका नाम एमिन है, ये भी शेख ही जा रहे हैं मेरे साथ में। गुड मॉर्निंग इंडिया। खान पैलेस के पास में ही एक ओल्ड टाउन पड़ता है जाने के टाइम ही, तो ये दादी है और ये बोल रही है शॉप आने के लिए, चलते हैं। शेखी हलवा, ओके ओके यार, यहाँ पे शेखी हलवा ही बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस। अंकल पूरे एकदम फॉर्म में है यार। बांसुरी, हाँ यस बांसुरी बोलते हैं इनको। हाँ आई लाइक योर फिल्म्स, सिनेमा फिल्म्स। हाँ यू लाइक, हाँ यू नो शाहरुख खान? यस शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। हाँ अमिताभ बच्चन, राज कपूर, शश कपूर, मिथुन चक्रवर्ती। Hey guys, very good morning and welcome back to the new vlog. मैं हूँ अभी नवरनो में और यहाँ से मैं जा रहा हूँ आज शेखी। शेखी के लिए मेरे को बस लेना पड़ेगा यार, तो मैं वॉक कर रहा हूँ यहाँ से। सुबह के 8 बजे है, मैं 7 बजे उठ गया, तो मेरी जो बस है वो 10 बजे की बस है, तो 2 घंटे हैं मेरे पास। अभी यहाँ से मैं पहुँच जाऊँगा आराम से 2 घंटे में। और अब मैं ऐसा लग रहा हूँ, देख पा रहे होंगे, दिल्ली में पहुंच गया हूं बस टर्मिनल। अब यहां पे मेरे को खोजना पड़ेगा कौन सा बस है मेरा। बस नंबर में लिखा हुआ था यहां पे B4, तो B4 प्लेटफॉर्म पे मेरे को जाना पड़ेगा। विच बस? दिस वन। शाची यार, मैं अपनी बैग यहाँ रख दे रहा हूँ। इस बस स्टॉप के ठीक सामने ही छोटा सा शॉप है यहाँ पे, तो यहाँ पे डोनर भी मिल रहा है और भी कई वैरायटीज़ के ब्रेड्स है, बिस्किट्स है। हाँ हेलो हेलो हेलो, तो ये जनाब डोनर, मैंने इनको अभी ऑर्डर किया डोनर। कुछ लोग कैमरा फ्रेंडली भी है, कुछ लोग बोल रहे हैं कैमरा बंद करो, बैठ कैमरा बंद करो। कुछ लोग कैमरा के सामने आना चाहते हैं यार, उन लोगों को अच्छा लगता है कैमरा के सामने। यहाँ पे स्वीट्स भी मिल रही है, देख पा रहे होंगे अलग अलग फ्लेवर के स्वीट्स है, ये सब सब लोकल स्वीट्स है यहाँ के यार। व्हाट्स योर नेम? व्हाट्स योर नेम? नेम नेम मोहम्मद। ये सो मजर बंदा। ओके, तो यार ऐसे छोटे छोटे स्टॉल लगा के रखते हैं, ये जनाब मोहम्मद नाम है इनका। जी मी, डू यू नो बॉलीवुड हीरो मिथुन चक्रवर्ती? धर्मेंद्र सिंह, शाहरुख खान, शाहरुख खान। जी मी फ्रेंड इंडिया। यू फ्रॉम अजरबैजान? यस। Yeah, me, I'm also going shaky. I'm also going shaky. Shaky? This bus. Travel. Yeah, travel. Oh, thank you. ये मेरी बस खड़ी है और यहाँ से जो बाकू से शेखी का डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो लगभग 6 घंटे की जर्नी रहने वाली है। ये ऐसा बस स्टॉप है यार, देख पा रहे होंगे, ये मेरी बस खड़ी है शेखी के लिए। मैं 9 बजे यहाँ पे आ गया था, अभी 9:30 बज चुके हैं और यहाँ से आधे घंटे में ये बस यहाँ से खुलने वाली है। टाइमिंग था 9:50 का, तो ऑलमोस्ट 9:50 होने वाला है बस 40 मिनट। बस की लाइट भी ऑन हो गई है, बस चलने की तैयारी कर रहा है। और ये जनाब फ्रॉम अजरबैजान से, व्हाट्स योर नेम? एमिन। हाँ इनका नाम एमिन है, ये भी शेख ही जा रहे हैं मेरे साथ में। गुड मॉर्निंग इंडिया। थैंक यू थैंक यू। और इसके लिए मैंने पे किया है 8 मनात, ऑलमोस्ट 9 मनात लग पड़ गया है मेरे को इसके लिए। इंडियन रुपीस में अगर बात करें तो ये 450 रुपीस पड़ता है। ये देख रहे हो कुछ इस टाइप के टिकट्स हैं इनकी, ऐसे नॉर्मल स्लिप में दे देते हैं टिकट्स यार। बस चलती है, सुबह 10 बजे चलिए, देखते कितने बजे तक पहुँचेंगे। और मैं शायद को पैसेंजर देख पा रही हूँ, दादी बैठती है जो कि ठंड में एकदम परेशान है। दादी को देख रहे हो आप कैसे पैक होकर बैठी हुई है। शेखी शेखी
दादी भी शेकी जा रही है। गाइज वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। मैं हूँ अभी अज़रबैजान के 8 लार्जेस्ट सिटी में कैशी। आप लोगों ने देखा होगा शेकी, सॉरी कल ही मैं आ गया था शेकी, और आज मैं जा रहा अभी मैं जा रहा हूँ द पैलेस ऑफ शेकी को एक्सप्लोर करने के लिए। तो यहाँ से 2 किलोमीटर वॉक में दिखा रहा है, तो मैं वॉक करके ही चले जाऊँगा, नहीं तो यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की थोड़ी इशूज है, तो यहाँ पर मासूरका चलती है। अभी तक मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कैसे जाना है। वैसे मैंने हॉस्टल से पूछ लिया है, 2 दिन के बाद यह सूरज निकला है, देख पा रहे होंगे सनराइज़ हो रहा है धीरे धीरे। और शेकी की जो पॉपुलेशन है 68,000 के आसपास इसकी पॉपुलेशन है पूरे शेकी में। यहाँ पे बाइक कम चलती है यार और गाड़ियाँ बहुत चल रही है, कार बहुत है यहाँ पे, बाइक अभी तक मैंने एक भी नहीं देखी है। ऐसी छोटी छोटी घर है यार यहाँ पे, और इसका स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, ईंटों को यूज़ हुआ है, सीमेंट को यूज़ हुआ है। ऐसी छोटी छोटी शॉप है यहाँ पे, और ये बोर्ड लगा हुआ, साइन का बोर्ड कुछ लकड़ी का बनाया हुआ है। ये सब साफ सारे वो ये ट्रैवल एजेंसी है, कुछ पहाड़ियों में घर बने हुए हैं यार, माउंटेन में बहुत सारे घर यहाँ पे माउंटेन में है। रास्ते में पूरा खाली खाली है, शेकी में वैसे पॉपुलेशन है नहीं ज़्यादा, तो लोग भी बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। और अभी टेम्परेचर चल रहा है 9 डिग्री सेल्सियस, तो ठीक ठाक ही है यार, नॉर्मल है, इतना रहे तो ठीक है यार, अगर इससे कम होता है तो थोड़ा सर्वाइव करना यहाँ के लोगों के लिए भी और मेरे भी, मैं तो यूज़फुल नहीं हूँ, ये लोग तो यूज़फुल है तो ये लोग सर्वाइव कर लेते हैं। वैसे शेकी खान पैलेस के पास में ही ओल्ड टाउन पड़ता है जाने के टाइम ही, तो ये दादी है और ये बोल रही है शॉप आने के लिए, चलते हैं दादी शॉप दिखाएगी अभी। शेकी कंपास। ओके। तो ये शेकी कंपास है। और ये शेकी खान पैलेस का ये उनको शेप दिया हुआ है यार। और ये टोपी है यहाँ के लोकल लोगों के लिए, लोकल हजारी के लिए, अज़रबैजान में टोपी ऐसे ही पहनते हैं, तो देख पा रहे होंगे ऐसा कुछ लग रहा हूँ मैं टोपी पहनने के बाद, मैं अब लग रहा हूँ लोकल, यहाँ का लोकल अज़रबैजान का ही है ना। तो ये टोपी यहाँ पे यार मशहूर है, काफ़ी फेमस है, बहुत सारे वैरायटी के टोपी है यहाँ पे, देख सकते हो आप। दादी और भी दिखानी चाह रही है, हाँ ये टोपी ये खान लोग पहनते हैं यहाँ के, तो कुछ ऐसा ब्लैक कलर का टोपी है यार, ये ठीक ही है फिर भी। और दादी और भी दिखाना चाह रही है लेकिन लैंग्वेज नहीं आ रही, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लैंग्वेज आती तो दादी और भी दिखाती यहाँ पे, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। और शेकी खान पैलेस ओल्ड टाउन होके ही गुजरता है, तो यहाँ से शेकी टाउन बस 200 मीटर है, लेकिन यार बहुत ऊपर ऊपर बने हुए तो ना थक जा रहा हूँ। मैंने यहाँ से पानी ले रहा हूँ, ये पानी 1/2 लीटर का पानी है, देखते हैं कीमत क्या लेती है। तो ये पानी का पड़ गया है 24 रुपीज़, 1/2 लीटर का पानी यहाँ पे आपको 40 पैसे में मिलेंगे, जो कि हो जाते हैं 24 रुपीज़। ये शेकी खान पैलेस का एंट्रेंस है, देख पा रहे हो कुछ ऐसा एंट्रेंस है, और उस साइड यार माउंटेन ही माउंटेन, माउंटेन ही माउंटेन, और यहाँ पे यार घर बने हुए हैं पहाड़ियों के ऊपर, माउंटेन के ऊपर घर है, बहुत सारे घर है यार, अनलिमिटेड है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस? ओह ये सफरान, हाँ ये शाफरान है यार, ये तलवार देख रहे हो, इतनी बड़ी तलवार है। पकलाबा शची। ओके, इट्स अ शाफरान, इट्स अ स्वीट। हाँ पकलाबा, ओल्डी शची। पकलाबा, हाँ शेकी हलवा, हाँ ओके ओके। यार यहाँ पे शेकी हलवा भी बहुत ही पॉपुलर है, बहुत ही फेमस है। जाफरान, ये जाफरान है यार यहाँ के, हाँ हाँ भाई जाफरान का फ्लेवर बहुत ही अच्छा है यार। शेकी हलवा ये 5 मनात में है ये पूरा, जो कि यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, और ज़ैफ़रान यहाँ पे 1 ग्राम 5 मनात में दे रहे हैं यार। इन सबको देख के ना मुझे अपने गांव की याद आ जाती है, वैसे मैंने 1.5 साल हो गया अभी तक गांव नहीं गया हूँ, अब पता नहीं कब जाऊँगा। देख रहो ग्रीनी, और उधर पहाड़, मैंने पहाड़ पर भी अपना बचपन गुजारा हुआ है यार, तो इन सब चीज़ों को देख के याद आ जाती है गाँव की, लेकिन कोई नहीं क्या कर सकते हैं।
जंग में और ट्रैवल में सब चलता है यार भाई। ये सेकंड खान पैलेस के अंदर एंटर होने की प्राइस लोकल्स के लिए यार 2 मनाती है, लेकिन फॉरेनर्स के लिए यार 5 मनाते हैं। और यहाँ पे टाइमिंग मेंशन किया हुआ देख पा रहे होंगे आप, यहाँ का एंट्रेंस शेख ही खान पैलेस का एंट्रेंस है, लेकिन अभी ये ओपन नहीं हुआ है, 10 मिनट बाद ओपन होंगे। ये टिकट्स है यार, ऐसा कुछ टिकट्स है, 5 मनाथ लिए हैं टिकट्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए 5 मनाथ है, लोकल के लिए 2 है, 2 मनाथ, और लोकल स्टूडेंट के लिए 1 मनाथ है। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1790 में और 1797 में ये बन के तैयार हो गया शेख खान पैलेस। इसका जो आर्किटेक्चर है पर्शियन आर्किटेक्चर है देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट लोग आए हुए हैं, लेकिन अभी किसी को भी एंटर नहीं करने दे रहे क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ, 10 मिनट बाद ये ओपन होंगे बता रहे। यहाँ के लोगों का मानना है कि 2700 साल पहले के बड़े पैमाने में यहाँ बस्तियों के निशान पाए जाते थे। इन लोगों का कहना ये है कि 2700 साल पहले यहाँ पे कोई बस्ती भी हुआ करता। शेखी की स्थापना हुई थी 18 सेंचुरी में, और शेखी 18 सेंचुरी में कोकेशन अल्बानिया का सबसे बड़ा सिटी हुआ करता था। वैसे यार इस पैलेस के अंदर तो वीडियो बनाने नहीं दिया क्योंकि बोल रहे यार कैमरा भी मना है और फ़ोन भी मना है, कुछ भी नहीं ले सकते हो, तो शायद ये इसीलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि लोग आएंगे फ़ोटो वीडियो रिकॉर्ड करके चले जाएंगे तो लोग देख लेंगे, तो शायद इसका फिर टूरिस्ट वाले नहीं आएंगे। और भी लोग कुछ लोग कैमरा लेके गए हैं, फॉरेनर थे वो लोग भी आए हैं कैमरा लेके गए, लेकिन पता नहीं उन लोगों को देगा कि नहीं देगा। वैसे मैं बोल रहा था यार चार्ज ले लो, एक्स्ट्रा पैसे ले लो, लेकिन कुछ तो करने दो। नो नो नो, मैंने चल भैया ठीक है फिर, और क्या ही कर सकते हैं। वैसे शेखी खान पैलेस के अंदर था 2-4 मिरर थे जो कि 18 सेंचुरी में बनाया गया था मिरर, और उसके अंदर अलग अलग चीज़ों को दर्शाया गया था कि वॉर कैसे हुआ था वो टाइम में, वॉर कैसे किया जाता था, वो सब पिक्चर लगे हुए थे अंदर में यार, तो उन सब को दर्शा रहे थे। मैंने बहुत ट्राई किया कैमरा निकालने का, लेकिन यार वो बंदा साथ में ही खड़ा था, पीछे हट ही नहीं रहा है, बोल रहा है कि आपको मेरे साथ में चल रहा हूँ मैं, मुश्किल नहीं, आपको जो जो चाहिए मैं आपको आप पूरा बताऊँगा, पूरा डिटेल्स दूंगा। और ये कोई चर्च है यार, लेकिन ये चर्च बंद है शायद, देख पा रहे होंगे ये भी 18 सेंचुरी का बना हुआ है, कोकेशन अल्बानिया अल्बानियंस के टाइम में, वो ज़माने में जब ये चर्च यूज़ हुआ करता था। अभी तो फ़िलहाल ये बंद करके रखे हुए, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर आप अंकल को देख पा रहे होंगे, स्टार अंकल, अंकल की आवाज़ देख रहे हो आप, हाँ यहाँ पे वो बजा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं यार भूल गए, आहा आहा ओहो, अंकल पूरे एकदम फॉर्म में है यार। बांसुरी, हाँ यस बांसुरी बोलते हैं इनको, हाँ शेखी खान के पैलेस के जो रॉयल फैमिली थे वो 18 सेंचुरी पे यहाँ पे आए थे, जब शेखी खान पैलेस बन के तैयार हो गया था तो वो आए थे। और यहाँ पे ना ट्रेडिशनल फ़ोटो भी आप ले सकते हो, देख पा रहे होंगे ये यहाँ पे फ़ोटोशूट विद नेशनल क्लॉथ, तो यहाँ पे नेशनल क्लॉथ जो है उसके साथ आप फ़ोटोशूट कर सकते हो, लेकिन ये अभी बंद है यार। यहाँ पे ABAD का साइन बोर्ड है और इसको ओपन किया गया था 2018 में। यहाँ पे अलग अलग तरीके के आर्ट है यार, अलग अलग आर्ट को दर्शाया गया है। अब मैं आ गया आर्ट गैलरी, आर्ट गैलरी की लाइट देख रहे हो आप, कितना अमेजिंग कितना प्यारा लग रहा है यार, लाइटिंग देख लो आप, बहुत ही प्यारा लाइट है यार यहाँ से। तो यार इस मिट्टी से बनाया गया है ये आर्ट, देख रहो कुछ ऐसा शेप में है, क्लॉक है। सलाम सलाम, वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम इंडिया। इंडिया? या यू हैव विजिट इंडिया? नो नो, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू, इट्स अ वर्किंग एरिया। आई लाइक योर फिल्म्स, सिनेमा फिल्म्स। हां यू लाइक, हां यू नो शाहरुख खान? यस शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, राज कपूर, शश कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, यू नो ऑल हीरो, राइट राइट राइट, सो इट्स अ वर्किंग एरिया, योर वर्किंग एरिया? आई एम आर्टिस्ट। यू आर आर्टिस्ट? शेकी आर्टिस्ट। हां, यू आर लोकल शेकी आर्टिस्ट? यस। हां, ओके, नाइस टू मीट यू, हैव अ नाइस डे। बहुत ही ऊंचाई पे आ चुका हूँ और यहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ मैं शेखी सिटी, देख पा रहे होंगे उस साइड पूरा घर बने हुए हैं, वहाँ से स्टार्ट है और वहाँ तक एंड है, तो मतलब
पहाड़ों में बहुत सारे घर बने हुए हैं यार, और ऊपर कब्रिस्तान भी है। शायद आपको कैमरा में दिख रहा होगा या नहीं दिख रहा, आई डोंट नो, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। जैसे आप विलेज साइड में आओगे, आउटकट में आओगे, तो इस टाइप की गाड़ियाँ यहाँ पे बहुत चलती है यार, जो कि पुराने ज़माने की गाड़ियाँ हैं, और ब्रांड यहाँ का लोकल ब्रांड है। तो यार ये मतलब कोई यहाँ का लोकल फ्रूट है, जो देखता हूँ उसको ट्राई करके कैसा है। इंडिया इंडिया नमस्ते नमस्ते, बट आई एम मुस्लिम। तो इन लोग देख के बोल रहे हैं नमस्ते। ये फ्रूट है यार, देखता हूँ मैं ट्राई कर रही हूँ कैसा है। सेम लीची का टाइप फ्लेवर आ रहा है इसका, इसके अंदर दाने भी है। ये कुछ ऐसा फ्रूट है यार, अच्छा है। थैंक यू थैंक यू। नहीं इसका नाम यार खुरमा नाम है इसका। हाँ खुरमा खुरमा। ओके ओके, नाइस नाइस, थैंक यू।